पहले अब एक जानकारी और आ रही है, मैं आपको बता दूं, मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। फिर बता दूं, मनोहर लाल खट्टर शहरी विकास मंत्री, टोकन साहू ये MOS बनाए गए हैं। खट्टर साहब को हरियाणा की सरकार चलाने के बाद अब शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है और टोकन साहू उसमें MOS बनाए गए हैं। जी देवेंद्र, ये भी वैसे ही है सौरभ, ऑफिशियली ना प्रेसिडेंट हाउस से ना PMO से कहीं से भी ये सूचना नहीं है, बस ये घूम रहा है ये भी। और इसमें टोकन साहू है, बेसिकली छत्तीसगढ़ के टोकन साहू है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद हैं वो MOS, मनोहर लाल खट्टर क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके लिए है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि शहरी विकास मंत्रालय। और वाकई सौरभ, जैसा कि फिर से आप पहले कह रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है कि अगर इतने लीकेज हो रहे हैं फिर भी ऑफिशियली इस बात को सामने नहीं लेके आया जा रहा है, खासतौर पर तब। हाँ सौरभ कुछ कह रहे थे, एक बार जरा पवन इस पर शायद कुछ अपडेट दे रहे हैं। पवन बताइए सर, एक और अपडेट ये है कि मनोहर लाल खट्टर को पावर मंत्रालय भी दिया गया है, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया है। MOS श्रीपद यशो नायक MOS होंगे उनके ऊर्जा मंत्रालय में। वहीं अर्बन एंड हाउसिंग में मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, तो टोकन साहू जो है वो उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पर बरकरार रहेंगे, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर बरकरार रहेंगे और G7 में हिस्सा लेने के लिए वो जाएंगे, ये जानकारी इस वक्त हमारे सामने निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर अब मोदी कैबिनेट 3O की तस्वीर स्पष्ट होने लगी है। राष्ट्रपति भवन से आधिकारिक तौर पर नहीं आया, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं जिस पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे उसकी तस्वीरें सामने हो गई है। जो चार बड़े चेहरे अभी तक हमारे सामने हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री, नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर के तौर पर मनोहर लाल खट्टर, और अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी मनोहर लाल खट्टर के। मनोहर लाल खट्टर को दो बड़ी जिम्मेदारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी हैं, अर्बन हाउसिंग डिपार्टमेंट उनको दिया गया है, यानी शहरी विकास मंत्री बनेंगे मनोहर लाल खट्टर, और साथ साथ उनको ऊर्जा विभाग भी दिया गया है, पावर का जिम्मा भी जो है वो खट्टर साहब को दिया गया है। दो बड़े मंत्रालय देवेंद्र हैं ये। हाँ निश्चित तौर पे, अगर ये दोनों मंत्रालय उनके पास है तो समझा जा सकता है कि उनका कद कितना ज़्यादा बढ़ाया गया है। और पूर्व मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री से हटाए जाने के बाद सौरभ ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में जब वो लाए गए तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास रहेगी, और बड़ी जिम्मेदारी को लेकर बहुत सारी अटकलें थी। लेकिन इस तरह से मंत्रालय अगर मिल रहा है तो समझा जा सकता है कि दो दो हैवी वेट मिनिस्ट्री अगर उनके पास है, उनके कद को पार्टी ने किस प्रकार से बढ़ाया, उनके एक्सपीरियंस को कैसे इस्तेमाल कर रही है। देखिए ये मंत्रालय था हरदीप पुरी के साथ, हरदीप पुरी और वो भी कैबिनेट में है, लेकिन उनका जो विभाग था अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वो खट्टर साहब को दिया गया। पवन जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सौर ऊर्जा के जरिए करोड़ों घरों में फ्री ऊर्जा पहुंचाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में वादा किया था, उस वादे को पूरे करने की जिम्मेदारी भी मनोहर लाल खट्टर को दी गई थी। और जब मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया था उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी खूब प्रशंसा की थी। बहुत से लोगों ने कहा था कि प्रशंसा के बाद मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटा दिया गया, लेकिन आज उस प्रशंसा के मतलब समझ में आ रहे हैं जब दो बड़ी मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी अर्बन हाउसिंग अफेयर जिनके पास थे वो मंत्रालय उनको मिला है, और इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय मिला है, ये वो बड़ा है। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ी फोर्स बनने जा रहा है, वो एक बड़ा टारगेट है जो कार्बन इमिशंस को कंट्रोल करना है उसके लिए। और हर घर जो फ्री बिजली का जो वादा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी मनोहर लाल खट्टर पर होगी। तो एक बड़ी अहम भूमिका में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नजर आएंगे जिस तरीके से दो बड़े महत्वपूर्ण विभाग उनको दिए गए हैं। तो देखिए दो खट्टर, मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास मंत्रालय और साथ में ऊर्जा मंत्रालय, दो मंत्रालय बड़े मंत्रालय उनको दिए गए हैं। तो मनोहर लाल खट्टर के बारे में चर्चाएं ये चली रही थी कि उनको अब मुख्यमंत्री पद से जानकारी और हाँ बताइए पवन बताइए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रिपीट हो रही है। एक जानकारी और हमारे पास आ रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रिपीट हो रही है। जैसा कि देवेंद्र लगातार कह रहे थे कि बिग फाइव मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उसी की तरफ इशारा है। फिलहाल हमारे पास जो पुष्टि है उसमें
वित्त मंत्री की पुष्टि है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बरकरार रहेंगी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर नितिन गडकरी बरकरार रहेंगे, विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर बरकरार रहेंगे। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र प्रयासर जिस तरीके से कह रहे थे कि बिग फाइव में कोई बदलाव नहीं है, और ये एक अपडेट मैं और दे देता हूं आपको, जीतन राम मांझी को एमएसएमई विभाग दिया गया है, मीडियम स्मॉल जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं वो अब होंगे जीतन राम मांझी, एमएसएमई बड़ा विभाग होता है, उनको जो है ये मंत्रालय दिया गया है, एमएसएमई मिनिस्टर बनाया गया है जीतन राम मांझी को, कैबिनेट रैंक है जीतन राम मांझी के पास भी, और उनको जो है एमएसएमई विभाग देखने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो जीतन राम मांझी का जो पोर्टफोलियो है वो भी अब सामने आ गया। तो जैसा बता रहे थे हमारे सहयोगी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर क्लैरिटी है वो रहेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहेंगी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। जीतन राम मांझी के साथ सौरभ शोभा करंदलाजे कर्नाटक से जो आती हैं, शोभा करंदलाजे वो उनकी एमओएस हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में, पिछली बार भी वो मंत्री थी, इस बार भी वो मंत्री हैं, और मैं एक बार फिर से ये बताऊं कि ये सारे नाम वैसे ही आ रहे हैं तौर पर बरकरार रहेंगे। जी पवन बोलिए। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर बरकरार रहेंगे, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, और अश्विनी वैष्णव सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये जानकारी भी हमारे पास आ रही है। तो फिलहाल एक एक करके नाम छनकर जो सामने आ रहे हैं उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान की जो मिनिस्ट्री थी एजुकेशन मिनिस्टर, उन्हें बनाया जा सकता है, ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्री होंगे ये जानकारी दे रहे हैं पवन नारा। देखिए अभी ऑफिशियल लिस्ट नहीं आई है लेकिन ये बीच में से जानकारियां जो आ रही हैं हम तक वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय है, टेलीकॉम, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स सब उनके पास था, अभी सूचना प्रसारण एक विभाग उनको जो दिया गया है इस नई सरकार में वो जानकारी हमें मिल रही है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होंगे, ऑलरेडी शिक्षा विभाग को देख रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय रहेगा। मनोहर लाल खट्टर साहब जो हैं वो देश के नए शहरी विकास मंत्री होंगे, और इसके साथ साथ उनको दिया गया है जिम्मा शहरी विकास मंत्रालय के साथ साथ मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग का जिम्मा दिया गया, पावर मिनिस्टर देश के वो होंगे। निर्मला सीतारमण वो देश की वित्त मंत्री बनी रहेंगी, ये खबर आपको हम दे रहे हैं। एस जयशंकर वो विदेश विभाग देखते रहेंगे, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भारत के डॉक्टर एस जयशंकर ही रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को उच्च शिक्षा मंत्रालय एक बार फिर मिला है, यहाँ पूरी कॉन्टिन्यूटी का ख्याल सरकार ने रखा, और ये बहुत सरकार के लिए शिक्षा संस्कृति मंत्रालय जो होते हैं बड़े निकट हैं। शिवराज सिंह चौहान के बारे में है कि कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में है, और इन सारे नामों को बताने के साथ साथ फिर से हम लोग बता रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से या प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ से ये सूचना नहीं दी गई है, जो अन्य सोर्सेज हो सकते हैं उनके तरफ से ये सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण और इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके जिम्मे देने की बात है। देखिए इसी बात की चर्चा बड़े दिनों से, मतलब जब से ये मंत्रालय हुआ बाकी शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में होंगे तो चर्चा चली रही थी कि कृषि मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। हमारी जानकारी के हिसाब से शिवराज सिंह चौहान देश के नए कृषि मंत्री होंगे, इसके अलावा किसान कल्याण और पंचायती राज मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाएगा। ये बड़ा पोर्टफोलियो जिसकी चर्चा थी वो शिवराज सिंह चौहान को मिल रहा है। अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्री जो अभी तक देख रहे थे, अनुराग ठाकुर इस मंत्रिमंडल में नहीं है, अश्विनी वैष्णव को वो विभाग दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होंगे देश के, मनोहर लाल खट्टर शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री होंगे, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी, डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री होंगे, और जो साथ साथ जो है उनके एमओएस जो है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन से विभाग में कौन से एमओएस को लगाया गया है। जीतन राम मांझी को एमएसएमई मिनिस्टर बनाया गया है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय माना जाता है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में एक जानकारी और है सौरभ जी, उन्हें कृषि और किसान मंत्रालय के अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, दो अहम जिम्मेदारियां शिवराज सिंह चौहान को मिल रही हैं, एक कृषि एवं किसान कल्याण और दूसरा पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री। अभी तक सौरभ देखें तो जिन नामों के बारे में जो मंत्रालय जिनको दिए जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन पर नजर आ रहे हैं, जिनके बारे में आप उम्मीद कर सकते हैं, हालांकि जीतन राम मांझी जैसे उसमें एक्सेप्शन होंगे, उनके बारे में कोई नहीं सोचता कि उनको एमएसएमई दिया जाएगा, लेकिन जो बड़े पोर्टफोलियो हैं वो एकदम से उसी उम्मीद वाले लाइन पर चलते नजर आ रहे हैं। और अश्विनी वैष्णव के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी सौरभ, क्योंकि सरकार के चेहरा के